मामला है पानीपत की तहसील कैंप के जट्टू चौक बारात घर के पास का, जहां पर बीती देर रात अमर टेंट हाउस के बाहर रखे सामान में आग लग गई, जिसके बाद आग को बढ़ता देख आस पड़ोस के लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया। पड़ोस के लोगों का कहना है कि अमर टेंट हाउस के मालिक द्वारा पूरी गली में अतिक्रमण किया गया है, जिसकी वजह से पूरी गली में सिर्फ उसी का सारा सामान बाहर पड़ा रहता है। इतना ही नहीं, गली में नशेड़ी भी बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हैं। उनका ये भी कहना है कि ये आग भी नशेड़ियों द्वारा लगाई गई है। ये पूरा देर रात को जो मामला है यहाँ पे जट्टू चौक तहसील कैंप बारात घर नियर, मैं मीडिया के माध्यम से डीसी साहब, मेयर मैडम और कमिश्नर साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने सभी मोहल्ले वालों ने पिछले साल भी ये कंप्लेंट डाली थी, ये पूरी गली में अतिक्रमण का मामला है। सारा यहाँ पे टेंट वाले ने गंद मचाया हुआ है और यहाँ पे लोग रात को स्मैक किए शराब पीते हैं और यहाँ पे जुआ खेलते हैं। तो हमारी ये प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको तुरंत के तुरंत इसको खाली करवाया जाए। सारा मोहल्ला, हमारी बहन बेटियां इस गली से गुजर नहीं सकती, सारा अतिक्रमण होता है। तो मेरी मीडिया के माध्यम से प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि सारा मोहल्ला आज बहुत परेशान है, रात को किसी समय की ने यहाँ पे पता नहीं चिंगारी लगा के सारी आग लगा दी और लोगों के घरों में भी सारी आग जाने का पूरा वो हो गया, गाड़ियों का जलने का डर हो गया। तो मेरी ये प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको तुरंत एक्शन लेके इसका सारा का सारा यहाँ से हटवाया जाए, ये सारा अतिक्रमण है। आप एक बारी कैमरे के माध्यम से एक बार दिखाएं। ये तहसील कैंप जट्टू चौक बारात घर के नज़दीक ही पीछे बैक साइड में, और रात को ये 12:15 बजे आग लगी है इसकी, तो सब ने पानी डाल के बुझाई है। वो फिर उसको फ़ोन किया अमर को, फिर वो आया, उसने देखा वो हमारे साथ भी लगा पानी डालने के लिए, पर उसने गंद बहुत डाल रखा है। हम बहुत परेशान हैं, कृपया ये सफाई कराई जाए और उठवाया जाए इसे। कॉलोनी वासियों का कहना है कि वो इसकी शिकायत पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि टेंट हाउस के मालिक अपनी मनमर्जी करता है और धमकी भी देता है। जट्टू चौक बरातघर तहसील कैंप पानीपत SBI ATM के पास अमर टेंट वाला है, टेंट गली में रखे हुए हैं और हमने पिछली बार कंप्लेंट डाली गई थी, उठा दिए थे। उसके बाद इसने मेरे को धमकी दी कि गली में पानी नहीं डालेगा, अपने घर के सामने सफाई नहीं करेगा, अगर सफाई करेगा तो मैं तेरी कंप्लेंट डाल दूंगा, उल्टा मेरे को धमकी दे रहा है सर। उसके बाद भी यहाँ समय किए देखे गए, जुआरी मैंने देखे इस गली में, लड़कियाँ लड़की यहाँ घूमते हैं, आशिकी करते हैं, मतलब कहाँ तक हम लोग कितनी कंप्लेंटें डालें सर, मुझे ये बताइए। हम लोग 10 बार कंप्लेंट डाल चुके हैं, लोग यहाँ बाथरूम तक करके जाते हैं। फिलहाल आग को तो जैसे तैसे कॉलोनी के लोगों ने बुझा दिया, तो वहीं कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले को सख्ती से लिया जाए और कार्रवाई की जाए। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Your life will be shining.